यण संधि की परिभाषा क्या होती है? प्लस से पहले ई, ई, और री। प्लस के बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों? ए समान स्वर, ए समान स्वर। तो ई, ई का क्या बन जाएगा? ये। ऊ का क्या बन जाएगा? वे। री का क्या बन जाएगा? रे। क्या बन जाएगा दोस्तों? रे बन जाता है। तो दोस्तों अपने चार संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ संधि में दोनों जगह समान स्वर आता है, उसको अलग छोड़ दो, बाकी चार बचे गुण, वृद्धि, यण, अयादि। गुण संधि की उल्टी यण संधि होती है और वृद्धि संधि की विपरीत संधि होती है अयादि। गुण संधि में की विपरीत कौन सी होती है? यण। वृद्धि की विपरीत कौन सी होती है? अयादि। अब विपरीत का मतलब यह है कि गुण संधि में जो प्लस से पहले स्वर आता है वो इसमें आगे पीछे हो जाते हैं। गुण संधि में ई, ऊ, री प्लस के बाद में आता है और यण संधि में प्लस से पहले आ गए। वृद्धि संधि में प्लस के बाद में ए आई आता है तो अयादि संधि में प्लस से पहले ए आई ओ आ जाता है। इस प्रकार से वृद्धि की विपरीत होती है अयादि और गुण की उल्टी होती है यण। दोस्तों ये यण संधि की परिभाषा है कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए? ई, ऊ, री और प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? ए समान स्वर। तो वहां संधि कौन सी होगी? यण संधि। इसकी पहचान है दोस्तों, इसकी पहचान ये है किसी भी शब्द में ये, वे, रे से पहला अक्षर आधा, पहला वर्ण आधा होना चाहिए। किसी भी शब्द में ये, वे, रे दिखाई दो, ये, वे, रे दिखाई देता है और उसका पहला वर्ण हलंत या आधा होना चाहिए। तो इसमें संधि कौन सी होगी? यण संधि। ये होगी पहचान, ये होगी आपकी परिभाषा। अब इसमें अपने यहां पर स्वर क्यों नहीं लिखा? स्वर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि गुण, दीर्घ, गुण, वृद्धि संधि में जब प्लस से पहले वाला स्वर और प्लस के बाद वाला स्वर दोनों आपस में मिलते हैं तब दोबारा से स्वर का ही निर्माण करता है। और इसमें क्या होता है कि प्लस से पहले वाला स्वर प्लस के बाद वाला ए समान स्वर जब जब दोनों आपस में मिलते हैं तब व्यंजन का निर्माण होता है, व्यंजन के रूप में विकार उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें संधि स्वर संधि नहीं लगाया जाता है। जैसे प्लस से पहले ई और ई, प्लस के बाद में ए समान स्वर तो बनेगा क्या? व्यंजन। उ का क्या बनेगा? व्यंजन। व बनेगा। री का क्या बनेगा? र। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो बनता क्या है? व्यंजन। और बाकी जो तीन संधि थी, गुण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, उसमें क्या देखो? प्लस से पहले ए, प्लस के बाद में ए तो बनेगा क्या? आ। स्वरों के मेल से स्वर ही बनता है, इनमें स्वरों के मेल से व्यंजन बनता है। इस तरह से इनमें स्वर संधि नहीं लगाते हैं। तो ये होती है केवल यण संधि ही, यण स्वर संधि नहीं होती। अब दोस्तों अपन चलते हैं, ई ई का ये बन जाएगा, उ उ का वह बन जाएगा, री का रे बन जाता है क्योंकि प्लस के बाद क्या होना चाहिए? ए समान स्वर। जैसे प्रति प्लस एक, वधु प्लस ईर्ष्या, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री प्लस उपयोगी। और दोस्तों अपने हैं फिर सु प्लस आगत। इसके स्थान पर अपन लिख लेते हैं पितृ प्लस उदारता, पितृ प्लस उदारता। तो दोस्तों परिभाषा के हिसाब से उदाहरण लिखा है मैंने, प्लस से पहले क्या होना चाहिए? ई, ऊ, री और प्लस के बाद में ए समान स्वर। तो प्लस से पहले ई ए समान स्वर, ऊ ए समान, ई ए समान स्वर, री ए समान स्वर। इसका मतलब परिभाषा के आधार पर, परिभाषा की दृष्टि से उदाहरण एकदम राइट है कि प्लस से पहले ई, ऊ, री समान मिल रहा है, प्लस के बाद में ए समान स्वर भी मिल रहा है। अब ई चाहे छोटी हो, ई चाहे बड़ी हो, बनेगा क्या? ये। उ का क्या बनेगा? वे। री का क्या बनेगा? रे। अब दोस्तों आपको करना क्या है? प्लस से पहले वाला स्वर हटाना है,
उसका जो नया क्या बनता है वो उसके जस्ट बाद में लिखना है, जोड़ना नहीं है, जस्ट बाद में लिखना है। जैसे प्लस से पहले ई है तो इसमें से मैंने ई हटाया, क्या हटाया ई, ई का क्या बन जाएगा, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, बनेगा क्या, ये हलंत बनेगा, क्या बनेगा, ये हलंत। तो अपन ने इसमें से ई हटा दिया तो तय हलंत बन गया, ई हटाने पर क्या बन गया, तय हलंत बच गया। ई का क्या बनाना है आपको, ये, तो ये जोड़ते हैं बीच में अपन आधा, इसको ऐसे कर लो। अपन ने यहां से क्या ले लिया, ई ले लिया, प्लस के बाद में क्या है, एक। अब ई हटाने पर यहां पर आपका तय हलंत बच गया, यहां पर आपने ई हटा दिया, ई हटाते तय हलंत हो गया। अब आपको ये धारणा है यहां पर चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, बनेगा क्या, ये। तो इस ई को हटाना है अपन को, यहां पर ये बनाना है, तो प्र तय ई के स्थान पर ये हलंत जोड़ना है और ये हो गया आपका एक। इतना कर सकते हो अपन अभी दोस्तों, एकदम इजी आसान तरीका है। ई हटाया अपने, प्रत हलंत हो गया, ई को अपने किसे बदल दिया, ये में, तो ये हो गया आपका। अब इसको जोड़ना है, इस प्लस के चिन्ह को उठाओगे तो ये भी हलंत है, ये भी हलंत, तो तय आधा, ये भी आधा। बल्कि इसके बाद में, प्लस के बाद में जो ए है वो ए इसमें प्लस हटा, प्लस का चिन्ह हटा दे, ए की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, ये बन गया आपका प्रत्येक। इसमें से अपने, या फिर अब अपन सीधा भी कर सकते हैं, इसमें से ऊ उठा दिया, ऊ उठाते ही धयादा हो गया, ऊ उठाते क्या हो गया, धयालंत हो गया। ऊ का क्या बनेगा, चाहे छोटा ऊ हो चाहे से बड़ा ऊ हो, बनेगा क्या, वह। तो अपने ऊ के स्थान पर वह लिख दिया, वह भी बनता क्या हमेशा हलंत है, तो हलंत बच गया। अब प्लस के बाद में क्या है, बड़ी की मात्रा, तो इसमें बड़ी की मात्रा जोड़ दो, तो ये हो गया वदवीर्ष्या, क्या हो गया दोस्तों, वदवीर्ष्या, ऐसा बन गया। या फिर इसको डिटेल से लिखना चाहते हो तो देखो इधर, इसमें से क्या है, बड़ी ई, क्या है दोस्तों, बड़ी ई, तो बड़ी ई हटाते ही इस त्रय हलंत हो गया। इस बड़ी के स्थान पर लिखना क्या है, ये, और ये हो गया आपका उपयोगी। दोस्तों यहां पर समझ में आ रहा है, स्त्री में से अपने ई हटाया, ई हटाते त्रयादा हो गया, क्योंकि अपने स्वर निकाल लिया, और ई के स्थान पर क्या लिख दिया, ये। तो देखो छोटी ई हो चाहे से बड़ी ई हो, ये बढ़ेगा, ये जोड़ दिया अपने। अब इस प्लस के चिन्ह को उठाना है तो ये भी व्यंजन हलंत है, ये भी हलंत है, तो दोनों जुड़ नहीं सकते, त्रयादा हो गया, ये तरह क्या हो गया, आधा। अब ये भी आधा है क्योंकि ये में पीछे क्या है, स्वर, ये छोटा ऊ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो गया स्त्रुपयोगी, स्त्रुपयोगी, तो ये हो गया आपकी व्यंजनी। अब इसमें क्या करना आपको दोस्तों, प्लस से पहले क्या है, री, प्लस से पहले क्या है, री, प्लस के बाद क्या है, ऊ। री को हटाने पर तय हलंत हो गया, री का क्या बन जाता है, री का बनेगा आपका रह हलंत, और पीछे क्या है, उदारता। अब इसको ऐसे लिख रहे हैं, पी तय और रह, पी तय और रह। अब तय और रह, अगर रह से पहले कोई तय आधा से, रह से पहले कोई आधा अक्षर हो तो रह, तय और रह मिलकर क्या बनता है, त्रय, जिसे वो होता है अपने जो चार संयुक्त अक्षर है, क्षय, त्रय, ये और सर, ये चार संयुक्त अक्षर है, ये त्रय है, वो तय हलंत और रह से मिलकर बनता है, तय हलंत रह पूरा, तो इसमें तय हलंत है और रह में को मिल जाए तो रह पूरा हो जाएगा, इसलिए तय और रह लिख रहे, इसको अपन लिखते हैं त्रय। अब त्रय में छोटा ऊ की मात्रा जो रहेगी तो जाएगा पितृदारता, पितृदारता। इसको या तो ऐसे कर लो, या फिर इसकी सीधी सीधा एक उपाय तरीका है क्या, कि पितृ प्लस उदारता है, इसमें से त्रि को पूरे को उठा दो, त्रि है इसके स्थान पर त्रय लिखो, पितृ, त्रि उठानी है, त्रय लिखना है, पीछे जो स्वर है ऊ की मात्रा, वो ऊ की मात्रा इसमें जोड़ दो और पीछे लिख दो पितृदारता, ये लो अपना शब्द बन जाता है। चाहे ऐसा कैसा भी हो, जैसे ऐसा भरा हो लिखते हैं अपन, मातृ प्लस
आदेश, मातृपद से आदेश है। रि के बाद में असमान स्वर, रि के बाद में असमान स्वर, इसका मतलब यण संधि है। अब आपको इस पूरे को उठाना है और इसके स्थान पर त्रय लिखना है। त्रय में स्वर क्या है, आ, आ जोड़ना है, ये हो गया आपका मात्रादेश। कुछ भी हो चाहे, जैसे अपन लिखते हैं पितृ, पितृ प्लस आज्ञा, त्रि है, इसको उठाओ, इसके स्थान पर त्रय लिखो, त्रय में आ की मात्रा जोड़ दो, पितृ आ गया, ये बन गया संधि। दोस्तों इस प्रकार से अपने प्रत्येक स्त्रुतियों की वदवीर्ष्या और पित्रालय, ये अपने संधि बनती है। अब इनका संधि विच्छेद करने का तरीका, संधि विच्छेद करने का तरीका, इनमें संधि बनाने का तरीका देखो, जान दोस्त दोबारा से कि पदस से पहले ई ई है, उसका ये बनेगा, ई हटाते तयादा हो गया, और उस य में आपको बाद वाला स्वर जोड़ना है। वधु प्लस ईर्ष्या है, इसमें से ऊ हटाते ही ज्यादा हो गया, ऊ का बन गया वह भी हलंत बनता है, और वह में आप वह में क्या जोड़ दिया आपकी ई जुड़ गई, तो वह द्वेष्य हो गया। स्त्री प्लस उपयोगी है, इस त्रिवे से अपने ई हटा दिया तो त्रयादा बच गया, ई का क्या बन गया ये में आपने क्या जोड़ दिया, ये ऊ जोड़ते ही यू बन गया, स्त्री उपयोगी हो गया। इसमें आपको एक ही काम करना है, पितृ प्लस उदारता है, जो त्रि है इसके स्थान सीधा आप त्रय लिखो, उस त्रय में जो पीछे स्वर है वो जोड़ दो, पितृदाता हो गया। जैसे मातृ शब्द है, त्रि के स्थान पर त्रय लिखा और त्रय में आपको पीछे स्वर है वो जोड़ दिया, मात्रादेश हो गया। इसी तरह से दोस्तों उदाहरण लिख रहे हैं दोस्तों अपना, जैसे ये अपने सु प्लस आगत है, सु प्लस आगत, प्लस से पहले क्या है ऊ, ये रहा ऊ प्लस से पहले, प्लस से पहले ऊ छोटा हो चाहे से बड़ा हो, प्लस के बाद में असमान स्वर, तो प्लस से पहले ऊ है, प्लस के बाद में आ असमान स्वर है, ऊ हटाते ही सयादा हो गया, ऊ का क्या बन जाएगा वह में क्या जोड़ना आपको आ, तो वह में आ जोड़ दिया, ये बन गया आपका स्वागत। कैसा भी उदाहरण लो चाहे से, जैसे अपने सामने ये है वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन, प्लस से पहले क्या है ऊ, हटाते ही दयादा हो गया, ऊ का बन गया वह में क्या जोड़ना है आ, ये हो गया आपका वधु आगमन। अब आप सोचते कि ऊ का वह कैसे बन गया, तो देखो जब ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो हमेशा वह ही बनता है, ई ई का ये बनता है, ऊ ऊ का वह बनता है, और री का रे बनता है, और बाद में जो स्वर है वो इसमें जोड़ना है। जैसे अपने यहां पर जैसे कि प्रति प्लस उत्तर है, प्रति प्लस उत्तर, तो यहां पर क्या है ई, ई हटाते ही तैयारा हो गया, ई का क्या बन जाता है ये में क्या जोड़ना आपको उ, तो ये में उ जोड़ना है, ये हो गया आपका प्रत्युत्तर। दूसरा है जैसे मान लो परमाणु, परमाणु प्लस आक्रमण, उ के बाद में असमान स्वर, देखो उ के बाद में असमान स्वर, इसका मतलब परिभाषा के हिसाब से यण संधि है, उ हटाते ही प र म अनादा हो गया, उ हटाते ही अण आदा हो गया, उ का क्या बनेगा वह में क्या जुड़ेगा आ, तो हो गया प्रमाणवा क्रमण, प्रमाणवा क्रमण। दोस्तों सभी प्रकार से ये करना है कि प्लस से पहले जो ई ऊ री है उनके स्थान पर ये लिखना है, और इनमें जो प्लस के बाद में स्वर है ना ये आपको इसमें जोड़ना है, अपने आप संधि बन जाती है। अब दोस्तों इसमें एक चीज ये दिक्कत आ रही है कि जैसे नोट है, स्वरोजगार स्वाधीन स्वदेश
स्वावलंबी, स्वावलंबन। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक स्वार्थ, स्वागते, स्वल्प, स्वागते, स्वल्प और स्वच्छ। अब दोस्तों मैंने ये बताया था कि यण संधि में ऐसे शब्दों में पहचान काम आती है, ऐसे शब्दों में क्या काम आती है, पहचान। तो पहचान क्या है यण संधि की, किसी भी शब्द में यह वह रे से पहला अक्षर क्या होना चाहिए, आधा। यह वह रे से पहला अक्षर क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो इनमें महापद संधि कौन सी होती है, यण संधि। किसी भी शब्द में यह वह रे दिखाई दे उसका पहला अक्षर आधा हो तो उसमें यण संधि होती है। तो देखो इसमें वह का पहला अक्षर आधा है, बल्कि इनमें सभी में यण संधि नहीं है, यण संधि नहीं है। तो इसके लिए एक नोट या नियम का ध्यान रखना कि यण संधि कहाँ होती है, ऐसी कंडीशन आ जाए तो यण संधि कहाँ होती है और अन्य संधि कहाँ होती है। सभी शब्दों के शुरू में स्व है, क्या है दोस्तों, स्व। तो इसका नियम ये लिख रहा हूं मैं कि अगर किसी भी शब्द के, ये नोट यहां लिख रहा हूं, किसी भी शब्द के शुरू में स्व हो, क्या हो, स्व। स्व का अर्थ अपना, स्वयं खुद निकले। जब स्व का अर्थ किसी भी शब्द के शुरू में स्व हो, समय स्व है, और उस स्व का अर्थ अपना, स्वयं खुद निकले, खुदे निकले, तब तो होगी अन्य संधि, अन्य संधि होती है। अन्य संधि का मतलब होता है कोई सी भी संधि हो सकती है, यह संधि को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। दीर्घ, गुण, वर्ती, अयाति, स्वर, वो व्यंजन, विसर्ग, संयोग भी हो सकता है, अन्य संधि हो सकती है, बल्कि वहां पर यह संधि नहीं होती है। और जब स्वय का अर्थ ये अपना, स्वयं खुद नहीं निकले, नहीं निकले, तब होती है आपकी यण संधि। कौन से होते हैं दोस्तों, यण संधि। एक बात का रहना, इन सभी शब्दों के शुरू में स्व है, स्व। सब में देखो, स्वरोजगार, स्वाधीन, स्वदेश, स्वावलंबन, स्वैच्छिक, स्वार्थ, स्वागत, स्वल्प और स्वच्छ। इन सब में, अब मैंने पहचान के बताया कि किसी भी शब्द में यह वह ऐसे पहला अक्षर आता हो तो यण संधि होती है। तो इनमें वैसे पहला अक्षर आता है तो इसका मतलब यण संधि है। बल्कि इसके लिए नोट यह है कि यण संधि कहाँ होती है और अन्य संधि कहाँ होती है। अगर किसी भी शब्द के शुरू में स्वय हो, उस स्वय का अर्थ अपना, स्वयं या खुद निकले, तब तो यण संधि नहीं होगी। यण संधि के अलावा अन्य कोई सी संधि भी हो सकती है, दीर्घ, गुण, वर्णी, अयादि, व्यंजन, विसर्ग या संयोग भी हो सकता है। और जब स्वय शब्द का अर्थ अपना, स्वयं खुद नहीं निकले, तब आपकी यण संधि ही होगी। अब दोस्त अपन चलते हैं, स्वरोजगार में स्वय का अर्थ क्या हो गया, पर अपना रोजगार, इसका मतलब यण संधि नहीं है। यण संधि के अलावा कुछ भी हो सकती है, संयोग भी हो सकता है, दीर्घ, गुण, व्यंजन, विसर्ग भी हो सकती है, क्योंकि यण संधि तो नहीं है। स्वाधीन का अर्थ होता है स्वयं पर अधीन, खुद पर, यण संधि नहीं है। स्वदेश, स्व का अर्थ है अपना देश, यण संधि नहीं है। स्वावलंबन, खुद पर अवलंबन रहना, इसमें भी नहीं है। स्वैच्छिक, अपनी इच्छा, इसमें भी यण संधि नहीं है। स्वार्थ, अपना अर्थ निकालना, नहीं है। स्वागत, अब इसमें स्व का अर्थ अपना नहीं होता है। स्वल्प, सौ प्लस लप, अपना अर्थ नहीं निकल रहा है। स्वच्छ में भी स्व का अर्थ अपना नहीं निकल रहा है। इन लास्ट के तीन उदाहरणों को छोड़ करके बाकी सभी में स्व का अर्थ अपना, स्वयं में खुद निकल रहा है। इसका मतलब इनमें तो यण संधि के अलावा अन्य कोई सी संधि हो सकती है और इनमें स्व का अर्थ अपना नहीं निकल रहा है, इसलिए इनमें यण संधि है।
तो यन संधि के लिए क्या करना पड़ेगा, वह किसका बनता है, उ का। तो आपने वह हटाया, उ बन गया, उ की मात्रा आपको आद्याक्षर में जोड़नी है, ये हो गया सु प्लस आगत, इसमें जाएगा सु प्लस अल्प, इसमें जाएगा सु प्लस अच या अच्छा, अच या अच्छा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहां पर स्व का अर्थ अपना खुद स्वयं नहीं निकले वहां पर तो भी यण संधि, और स्व का अर्थ अपना खुद स्वयं निकल जाए वहां पर अन्य संधि कोई सी हो सकती है, स्वर भी हो सकती है, व्यंजन भी हो सकती है, विसर्ग भी हो सकती है, और संयोग भी हो सकता है। अब जैसे सव प्लस रोजगार संयोग है, सव प्लस अधीन दीर्घ संधि है, सव प्लस देश संयोग, सव प्लस अवलंबन दीर्घ संधि, सव प्लस ऐच्छिक वृद्धि संधि, सव प्लस अर्थ दीर्घ संधि, कुछ भी हो सकती है, बल्कि वहां पर यह संधि नहीं होती है। तो दोस्तों इस नोट का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये हो गया आपकी यण संधि। अब दोस्तों इसके अगली संधि अपनी कौन सी है दोस्तों, अयादि स्वर संधि, कौन सी है, अयादि स्वर संधि। दोस्तों इसमें अयादि स्वर नहीं लगाना है, केवल केवल अयादि संधि होती है, कौन सी होती है, अयादि संधि, क्योंकि इनमें दो स्वरों का मेल होने पर व्यंजन बनता है, न कि स्वर बनता है, इसलिए इनको बोलते हैं अयादि संधि। पांचवी है अपनी अयादि संधि, कौन सी संधि की विपरीत होती है, ये वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में जो स्वर प्लस से पहले आता है, प्लस के बाद में आता है, वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो अयादि संधि होती है। अयादि संधि में प्लस से पहले क्या मिलेगा आपको, ए आई ओ आओ, प्लस के बाद में क्या मिलेगा, ए समान स्वर, प्लस से पहले ए आई ओ आओ मिलेगा, प्लस के बाद में ए समान स्वर मिलेगा, तो संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि। ए का क्या बनेगा दोस्तों, आए बनेगा, आई का क्या बनेगा, आय, ओ का क्या बनेगा, आव, और आव का क्या बनेगा, आव। ये चारों गलत है दोस्तों, ध्यान देना। अयादि संधि में प्लस से पहले क्या होता है, ए आई ओ आव, प्लस के बाद में क्या होता है, ए समान स्वर। तो ए आई का बनेगा आए आय, ओ आव का बनेगा आव आव। ये देखो, जब प्लस से पहले स्वर, प्लस के बाद में स्वर, दोनों आपस में मिलते तो क्या बनता है, देखो व्यंजन बनता है, इसलिए इसको अयादि संधि बोलते हैं, ना कि अयादि स्वर संधि। दोस्तों जैसे पढ़ते हो उदाहरण लिख रहा हूं मैं, ने प्लस अन, विधेय प्लस इका, भो प्लस इसे, और भो प्लस इसे, और धो प्लस अप। अब दोस्तों आपके सामने चार उदाहरण हैं, इनमें परिभाषा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। प्लस से पहले ए आई ओ आओ, देखो ए आई ओ आओ, प्लस के बाद में ए समान स्वर, समय प्लस से बाद में ए समान स्वर है। तो ए का क्या बनेगा, आए, आई का क्या बनेगा, आय, ओ का क्या बनेगा, आव, आव का क्या बनेगा, आव। तो अपन को यहां से ए हटाना है, ए हटा दिया, ए के स्थान पर क्या लिखना है, आए लिखना है, तो ये बीच में अपने आए लिख दिया, पीछे क्या बच रहा है, अन। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि ने में से अपने ए हटा दिया तो न हलंत हो गया, ए का अपने क्या बना दिया, ए का बनता है आए, तो आए अपने ए हटा दिया, ए के स्थान पर आए लिख दिया। अब इसको जोड़ना है, ये ए आपका न में मिल जाए तो न पूरा हो जाएगा, और ये ए इस ये हलंत में मिल जाए तो ये पूरा हो जाएगा, ये बन गया आपका नयन, क्या बनेगा दोस्तों, नयन। इसमें से आपको आई है, यदि आई तो इसमें से आपको आई हटाने पर ये धय हलंत बच गया, आई के स्थान पर आपको लिखना क्या है,
आय हलंत लिखना है, पीछे क्या बच रही है इका, पीछे क्या बच रही है इका। इस प्लस के चिन्ह को हटाने पर ये आ की मात्रा इस धन में मिल जाएगी, तो हो गया आपका विधा। इस प्लस के चिन्ह को हटाने पर छोटी की मात्रा इसमें मिल जाएगी, तो हो गया आपकी ही और विधायिका। अगर यहां पर बार ए होता तो अपन ए जोड़ते, अगर उ होता तो अपन उ जोड़ देते, यहां पर जो भी स्वर है वो उसमें अपन जोड़ देते हैं। दोस्तों ये हो गई, अब इसमें आपके क्या है यहां पर ओ, को हटाते ही भयलंत हो गया। ओ का क्या बन जाता दोस्तों, को का बनेगा ए औ हलंत, पीछे क्या है इसे, पीछे क्या है इसे। इस प्लस के चिन्ह को उठाने पर ये ए इसमें मिल जाए, तो ये भय व में छोटे की मात्रा मिल जाएगी, वी और हो गया आपका भविष्य। दोस्तों बन गई। अब लास्ट उदाहरण अपने यहां पर क्या है औ, औ की मात्रा उठाने पर दह हलंत हो गया, औ का क्या होता है आव, पीछे क्या बच रहा है अक, पीछे क्या बच रहा है दोस्तों अक बच रहा है। अब इस प्लस के चिन्ह को हटाओगे तो आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो हो गया आपका धा, ये ए इसमें जुड़ गया तो ये वह पूरा हो गया, ये बन गया आपका धावक। किसी भी शब्द में ए आय आव आव की ध्वनि आए तो उसमें ए दे संधि होती है। देखो नए अय विधाय आय भव अव धाव आव, आदि संधि है। दोस्तों इसी तरह से अपन, मैं और बता रहा हूं आपको उदाहरण, जैसे ये है वटो प्लस रिक्ष, वटो प्लस रिक्ष, फिर है आपका ओ प्लस इत्र, ओ प्लस इत्र, सरो प्लस ए, सरो प्लस ए, वटो प्लस रिक्स, ओ प्लस इत्र, सरो प्लस ए। परिभाषा देखो दोस्तों, प्लस से पहले ए आई ओ औ होना चाहिए, तो देखो औ ओ ओ औ, प्लस के बाद में एस मान स्वर है, इसमें से अपन ओ हटाएंगे तो वह और टह हलंत हो गया। वटो में से अपन ने ओ हटा दिया तो टह हलंत हो गया। अब दोस्तों ओ का क्या बनता है औ, तो ये अपने बीच में आव लिख दिया, पीछे क्या बच रहा है रिक्ष, क्या बच रहा है रिक्ष। वैसे रिक्ष रीच का, रीच का तत्सम रूप है, रिच रीच तद्भव है और रिक्ष तत्सम रूप है। वटों में से ओ हटा दिया, वट हलंत बच गया, ओके स्थान पर अपने आव लिख दिया, पीछे रिक्ष बच रहा है। अब इस प्लस के चिन्ह को हटाने पर ये ए तो इस वट में मिल जाएगा, तो टै पूरा हो गया। वह हलंत है, वह में री की मात्रा जाएगी, तो री की मात्रा जुड़ती है ऐसे नीचे, तो है आपका वट वृक्ष। क्या बन गया दोस्तों वट वृक्ष। वटो में से ओ हटाने पर टै हलंत, ओ का क्या बन गया अव, पीछे क्या बच रहा है वृक्ष, अव में ये ए तो जुड़ गया आपका टै में, इस वह में जुड़ गया आपकी री, ये बन गया आपका वट वृक्ष। इसमें से आपने को उठाया तो को उठाते ही पै हलंत हो गया। ओके स्थान में क्या लिखना आपको, ओ नहीं लिखना है यहां पर, ओ का क्या बनता है उसको लिखना है, तो ओ का बनता है अपना अव, पीछे क्या बच रहा है इत्र, तो ये ए तो इसमें मिल गया तो प हो गया, ये ई इसमें मिल गया तो ये हो गया आपकी वी, ये बन गया आपका पवित्र। क्या बन गया दोस्तों पवित्र, ये है सो। अब इसमें से ओ उठाने पर ये स्रह हलंत बच गया, ओ के स्थान पर क्या बन गया आव, पीछे क्या है ए, तो ये आ तो इस स्रह में मिल गया, तो ये हो गया आपका स्रा, और व में ए मिल गया तो होगा आपका शराब। क्या बन गया दोस्तों शराब। इस प्रकार से ए संधि होती है दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धि संधि, इनमें तो प्लस से पहले वाला ठाना है, प्लस के बाद वाला ठाना है, और उन दोनों का जो बनता है वो पहले वाले में जोड़ना है। यण संधि और ए संधि में क्या होता है कि प्लस से पहले जो स्वर है ए, उसको हटाकर उसका बनता क्या है वो बीच में लिखना है, और प्लस के बाद वाला स्वर उसमें जोड़ना है। तो इसमें ए है तो ए का क्या बनता है देखो ए, पहले ये याद होना चाहिए ए आई ओ आओ ए आय आओ आओ। तो दोस्तों ए हटा दिया, ए के स्थान पर ए लिख दिया, ए निकाल दे न हलंत हो गया,
और अब एक के सामने ए लिख दिया, ए तो इसमें जुड़ गया और ये ए इसमें जुड़ गया तो नए बन गए। विधेय प्लस इका है, इसमें आई है, आई को उठाने पर क्या बन गया अपने आय बना दिया, और आई हटाते धालंत हो गया, आय हो गया बीच में आई के स्थान पर, इका शब्द पीछे बचे रहे तो ये आ इसमें जुड़ गया और ये ई इसमें जुड़ गई, क्या बन गया आपकी विधायिका। भविष्य में ओ है, ओ के स्थान पर आपको लिखना क्या है, अब ये ओ स्वयं नहीं लिखना है, ओ का भरता क्या है उसको लिखना है, तो ओ हटाते ही भयलंत हो गया, ओ के स्थान पर अपने अव लिख दिया, पीछे बच रहा है ई से बच रहा है, तो अब फिर ये अव जो होना है तो ए तो जुड़ गया इसमें भय पूरा हो गया, ये ई की मात्रा इसमें तो भविष्य बन गया। इस प्रकार से दोस्तों अपनी होती है स्वर संधि कंप्लीट। अब है स्वर संधि के अपवाद और विशेष उदाहरण।